जो टॉपिक आप लोगों का 3.1 से ऑनवर्ड जो है ना वो नॉर्मली मैं करवाता नहीं हूँ, ये सेकंड ईयर में भी होता है, जो सेकंड ईयर की पुरानी बुक है उसमें भी वेक्टर्स का चैप्टर है, उसमें भी है, तो नॉर्मली मैं करवाता नहीं। उसकी वजह है कि इतना खास कोई पोर्शन है नहीं है, और जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर में ज्यादातर वो यूज होता है, फर्स्ट ईयर में वो नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आप मॉडल पेपर अपना उठाओ तो आई गेस 3.1, हाँ 3.1 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका मॉडल पेपर में लॉन्ग के अंदर आएगा, लॉन्ग के अंदर ही आएगा। तो नॉर्मली जिसको छुड़वा दिया जाता है, मेजोरिटी टीचर छुड़वा देते हैं। अगर आप YouTube पे भी देखो ना, मैंने देखा नहीं लेकिन मेजोरिटी टीचर्स ने 3.1 के एंड के क्वेश्चन छुड़वा दिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 3.1 का जो कि नॉर्मली छुड़वा देते हैं वो मॉडल पेपर में उन्होंने दिया है लॉन्ग के अंदर, तो इसका मतलब अब छुड़वाना मुनासिब नहीं है। जब उन्होंने दे दिया सेंस भी बनती है कि यार जब वो देना चाह रहे हैं तो फिर आप स्किप करके क्या करोगे। तो जो अपनी फुल तैयारी कर रहे हैं 100% के लिए जा रहे हैं तो उनको पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, वरना फिर लॉन्ग के अंदर आ गया फिर क्या करोगे। तो दैट्स व्हाई जो 3.1 के एंड के क्वेश्चन हैं उनको भी हम जरा ट्राई करेंगे। हमने 3.1 के ना क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, 7 तक आसानी से आपने देख लिया था, बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इतना मसला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑनवर्ड ना थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, उन पे जरा आ जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, मेनली एक ही कॉन्सेप्ट है जिसपे असल में टाइम लगाना है हमने, तो 10-15 मिनट में चला आप लोग सीख लोगे। ये है तो टॉपिक सेकंड ईयर का बाय द वे, और इस टॉपिक का मैं थोड़ा स्टार्ट आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम वेक्टर फॉर्म में आते हैं। देखो जब भी किसी चीज को आपने प्रूफ करना होता है ना, इसकी डिफरेंट फॉर्म होती है। जैसे आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि पैरेललोग्राम, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करते हैं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसमें सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। कहने का मतलब जितने थ्योरम आपने पढ़े ना उनके प्रूफ होते हैं। तो एक तो प्रूफ आप करते हो ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री के अंदर आप देखते थे ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल फलाना है, एक ज्योमेट्री से इनके प्रूफ होते हैं। एक होता है कि वेक्टर के जरिए से आप प्रूफ करोगे इनको, तो आपकी बुक में मेजोरिटी चीजों में लिखा हुआ है यूजिंग वेक्टर, क्योंकि आप वेक्टर पढ़ रहे हो ना, तो कितनी बातों को आपने प्रूफ करना है यूजिंग वेक्टर्स। तो इसका मतलब दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो वेक्टर से प्रूफ करते हो या वैसे ज्योमेट्री से आप कर रहे होते हो। जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ने लगे हो ना, ये वेक्टर्स के बगैर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है सेकंड ईयर के अंदर, तो पहले वो हम समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ी बेसिक पता चल जाए, क्योंकि वेक्टर्स में थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बेसिक पता चल जाए तो आप आसानी से समझ लोगे। ये टॉपिक सेकंड ईयर में कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला। मकसद समझ लो कि ये फॉर्मूला आप यूज क्यों करते हो, क्योंकि जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए कि यार इसका मकसद क्या है। बिना मकसद किस नहीं पढ़ रहे ना, कोई वजह है इसकी, तो वजह ये होती है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट होता है। कंसीडर कर लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी। लाइन सेगमेंट होती है ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स के दरमियान होती है। अब इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जस्ट लाइक रियल लाइफ में अगर आपके पास कोई स्टिक है, जैसे ये स्टिक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आप इसको मिड से भी डिवाइड कर सकते हो, आप इसको थोड़ा साइड से कर लो, इधर से कर लो, डिवाइड मतलब आपने काटना है इसको। तो मैथमेटिकल अंदाज में आप इसको बोलोगे किसी पॉइंट ने डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट गिन लेता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट ने डिवाइड किया, उस पॉइंट को नाम हम पी बोल देते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है ना लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। गिवन आपको क्या होता है, आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, आपको बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे x2 y2। आपको बोला जाएगा जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है ना ए बी को, ए बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, कुछ ना कुछ गिवन होगा आपको, और बोला जाएगा जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है ना उसके आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालो। ये असल टॉपिक होता है। तो इसके लिए एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो चीज क्या है कि जब कोई पॉइंट डिवाइड करेगा किसी लाइन सेगमेंट को तो दो हिस्सों में तकसीम होगी। जब एक लाइन सेगमेंट सिंपल लैंग्वेज में जब आप इसको कट करोगे तो उसके दो पीसेस बनेंगे। अब उन दो पीसेस की जो लेंथ है उसको रेशियो की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है जिसकी लेंथ है 9 यूनिट, आपने इसको कट किया फॉर एग्जाम्पल यहां से, इसकी लेंथ है 6, इसकी लेंथ कंसिडर कर लो 3 है। अब 6 और 3 इसकी लेंथ है, लेकिन आपने रेशो बताना है। रेशो कैसे बताओगे, 6:3। रेशो बताने के लिए होता है कि आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर लेते हो। ये सिंप्लीफाइड नहीं है, अभी इसको आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल करने के बाद 2:1। तो जो पीसेस में आप डिवाइड करोगे ना उन पीसेस की लेंथ को एज अ रेशो के फॉर्म में आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये जो आपने लाइन सेगमेंट तोड़ी है इसका एक पीस 6 है और दूसरा पीस 3 है। एज्यूम करो आपके पास एक और एक लंबी स्टिक थी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एज्यूम कर लो एक लंबी स्टिक थी और इसकी लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 18 है, फॉर एग्जाम्पल 18 है। तो आप एज्यूम करो कि जो आपने ब्रेक किया है ना इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी हम ले लेते हैं 12। कंसीडर कर लो ये जो है 12 है और ये जो है 6 है, आपने इसको ब्रेक किया, इतना पूरा हिस्सा जो है वो 12 यूनिट का है, इतना जो हिस्सा है वो 6 यूनिट का है।
अब देखो पुरानी एग्जाम्पल में हिस्से डिफरेंट है, पहले जो हिस्सा था उसकी लेंथ 6 थी, इसकी लेंथ 12 है, और दूसरे हिस्से की लेंथ 3 थी, इसकी लेंथ 6 है। तो दिखने में आपको लग रहा है कि जो आपने डिवाइड किया है उनकी लेंथ डिफरेंट आ रही है लास्ट वाली एग्जाम्पल से, लेकिन रेशो में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप अभी भी इनका रेशो निकालो, रेशो सेम ही है, आप इसको 6 से डिवाइड करो 2:1 आ रहा होगा। तो कहने का मतलब रेशो जो है ना वो डिफरेंट सिचुएशन में सेम रह सकता है, सिचुएशन आपके पास डिफरेंट है लेकिन रेशो सेम है, क्योंकि रेशो कंपेयर करता है चीजों को। जैसे पुरानी एग्जाम्पल में एक 6 था एक 3 था, कहने का मकसद क्या है कि जो इसकी लेंथ था उसके डबल ये है, तो तभी रेशो था 2:1। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी तो है, जो उसकी लेंथ है उसके डबल इसकी लेंथ है, तो रेशो तो सेम ही रहेगा। तो थोड़ा रेशो के बारे में हमने समझ लिया, और मेन हमने बात देख ली कि जब कोई पॉइंट डिवाइड करता है ना, तो आपने बेसिकली आपको सवाल में गिवन क्या होता है, आपको जिन दो इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड किया है ना उनका रेशो गिवन होता है, जिसको जनरलाइज लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, एम रेशो एन, इस तरह लिखा जाता है एम इज टू एन। तो याद रखना है जो एम है ये लेंथ नहीं है इसकी, पूरी लेंथ नहीं है ये, जब दोनों लेंथ आप निकालोगे ना, जब इनका फाइनल रेशो निकालोगे उस रेशो को आप एम इज टू एन कह रहे हो। जैसे इस वाली सिचुएशन में आपका एम जो है वो 12 नहीं है, आपका एम जो है वो 6 नहीं है, आपका एम क्या है, आपका एम 2 है, क्योंकि जब आप इन दोनों का रेशो निकालोगे तो फाइनल आंसर आएगा 2:1। तो ये चीज आपकी होगी एम और ये चीज होगी आपकी एन। तो अब ये आमतौर पर डेरिवेशन में जान छुड़ा दी जाती है, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ये एम एन लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। जब दोनों हिस्सों का आपने रेशो निकाल लिया, उस रेशो में फाइनल जो है ना, जो पहली चीज है उसको आप एन बोलोगे, जो दूसरी चीज है उसको आप एन बोलोगे। पहली दूसरी का मतलब कि जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है और जो पहला पॉइंट है, इनका जो रेशो है इसको एम बोलते हो, और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है और जो दूसरा पॉइंट है, इनके रेशो को आप एम बोलते हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका एक फॉर्मूला होता है। असल हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो फॉर्मूला ये आप यूज करते थे। फॉर्मूला होता था इसको नॉर्मली M1 M2 कहते थे हम सेकंड ईयर के अंदर, तो हम भी वही कहते हैं M1 M2, मुझे फॉर्मूला भी उसी हिसाब से याद है। तो इसका फॉर्मूला होता था M1 X2 प्लस M2 X1, इसी तरीके से M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। कहने का मतलब आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, आपको X1 Y1, X2 Y2 और M1 M2 पता होना चाहिए। आप इस फॉर्मूले में पुट करते थे और आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था जो सेकंड ईयर में सेक्शन फॉर्मूला में यूज होता था। अब यही कॉन्सेप्ट उन्होंने फर्स्ट ईयर में दिया, लेकिन वेक्टर्स की फॉर्म में सिचुएशन चल रही है, तो थोड़ी बहुत आपको फॉर्मूले में सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, क्योंकि टॉपिक एक ही है, बस ये ज्योमेट्रिक अंदाज में, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में और वो वेक्टर की फॉर्म में, लेकिन कॉन्सेप्ट यही बात है, इसलिए मैंने पहले आपको ये थोड़ा क्लियर कर दिया था। अब सर अपनी बुक पे आ जाओगे, वेक्टर की फॉर्म में क्या कॉन्सेप्ट है ये, सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आपने वेक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कंसीडर कर लो एक वेक्टर है पी, मतलब दो पॉइंट है पी और क्यू, हमारे पास एक वेक्टर है पी क्यू, ठीक है। इस पी क्यू को अब जैसे पहले लाइन हुआ करती थी ना, लाइन सेगमेंट, अब ये वेक्टर हो गया जिसको मैंने पी क्यू का नाम दे दिया। ये जो पी क्यू है ना, इसको किसी और पॉइंट ने डिवाइड किया है, कंसीडर कर लो बुक ने आर बोला था इसको, फॉर एग्जाम्पल यहां से उसने डिवाइड किया है आर। अब यहां पे उन्होंने वेक्टर की फॉर्म में क्या किया है, इनके पोजीशन वेक्टर बनाए। पोजीशन वेक्टर जब आप यहां पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन आएगा ना, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है कि आप पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, तो पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो ये आप क्या करोगे, सबको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, तो एक्स और वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं क्या कर रहा हूं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं ओ, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में आप क्या करते हो, ओरिजिन से ज्वाइन करते हो। तो पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओपी, R का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ आर, और Q का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ क्यू। तो ओपी, ओ क्यू और ओ आर, ये सब इनके क्या है, पोजीशन वेक्टर। हम बुक हमने नाम दिया है कि कंसीडर कर लो ओपी जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम ए वेक्टर का नाम दे देते हैं, जो ओ क्यू पोजीशन वेक्टर है उसको बी का नाम दे देते हैं, और जो ओ आर है इसको हम आर वेक्टर का नाम दे देते हैं। ये डेरिवेशन का स्टार्ट है जो बुक ने मेंशन किया है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, वही वाली बात है कि जो आर है वो डिवाइड कर रहा है पी क्यू को इन द रेशो एम इज टू एन। यहाँ पे एम एन की वर्डिंग यूज की गई है, वेयर एम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, जो पहला पॉइंट है और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है वो एम होता है। पहला पॉइंट क्या है, पी, और किसने डिवाइड किया, आर ने, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, एम। और एन क्या होता है, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्यू है और डिवाइड किसने किया, आर ने, तो इसका मतलब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, एन के बराबर हो जाएगी। तो ये रेशो आपको गिवन है m is to n। तो सवाल क्या आता है
कि भाई आर ने डिवाइड किया है पी क्यू को इन एम इज टू एन रेशो, ये गिवन होता है। अच्छा करना क्या होता है, सवाल आपसे पूछा गया था, सवाल आपसे पूछ जाते हैं फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ आर, वो कह रहे हैं कि जो पोजिशन वेक्टर है ना ओ आर, ये आपको यहां पे निकालना है, आर का पोजिशन वेक्टर आपको निकालने को बोला जाता है। तो फर्क थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे आप आर के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, यहां पे भी आर के कोऑर्डिनेट्स ही आ रहे होंगे, लेकिन आर के कोऑर्डिनेट्स एज अ पोजिशन वेक्टर आपको यहां पे निकालना है। कॉन्सेप्ट वही है, हल्की फुल्की चेंजिंग उन्होंने यहां पे की है। तो अब ये कॉन्सेप्ट होगा कैसे, क्या सीन है पूरा, तो इसकी डेरिवेशन बड़ी ईजी है, बुक वालों ने मेंशन की भी है कि आपने यहां पे दो वेक्टर बनाने, एक वेक्टर है पी क्यू सॉरी पी आर, अगर आप इस वेक्टर को देखो इसको हम बोलेंगे पी आर, और दूसरा वेक्टर क्या है आर से लेके क्यू, तो एक वेक्टर है पी आर और एक वेक्टर है आर से लेके क्यू। अगर आप इन दोनों वेक्टर को देखो, ये दो हिस्से है ना, ये एम है और ये पूरा हिस्सा क्या है एन के बराबर है। अगर आप ऑब्जर्व करो ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, पैरेलल वेक्टर है ना, अगर आप देखो डायरेक्शन तो सेम है, अगर आप इनको एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ लिखोगे, एम वेक्टर जो है ना एज्यूम करो एन की डायरेक्शन ये है, अगर एन को मैं थोड़ा, क्योंकि वेक्टर्स को आप आगे पीछे लेके जा सकते हो ना, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, अगर एन को मैं थोड़ा पीछे ले आऊं ना, अगर यहां से स्टार्ट करना चाहूं तो तकरीबन ये पूरा एन हो जाएगा, तो ये छोटा वाला एम है और ये बड़ा वाला जो है ये एन है। वैसे इन दोनों वेक्टर को साथ दिखा रहा हूं आपको कि दोनों पैरेलल वेक्टर है, डायरेक्शन भी सेम है, फर्क किसका है मैग्नीट्यूड का, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होगा, डिपेंड करता है आर की पोजीशन क्या है पूरी। तो जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, जब आप उनको डिवाइड करोगे ना तो रिजल्ट में कोई नंबर आपके पास आएगा, क्योंकि सोचो दो वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन उनकी सेम है, तो जब आप उन दोनों वेक्टर्स को डिवाइड करोगे, तो जब सेम डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, तो दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर सेम ही होगा। जरा सिचुएशन को समझो, अगर मैं पी आर को यहां पे डिवाइड करूंगा आर क्यू से, जरा ऑब्जर्व करो पी आर और आर क्यू इनका यूनिट वेक्टर तो सेम होगा, क्योंकि डायरेक्शन इनकी सेम है तो यूनिट वेक्टर सेम, तो यूनिट वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा क्या इनका मैग्नीट्यूड, तो और मैग्नीट्यूड एज अ रेशियो की फॉर्म में, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो तो वो सिंपल हो जाता है ना रेशियो बन जाता है, तो ये हो जाएगा एम, पी आर को आपने लेट किया था एम के बराबर और आर क्यू को आपने लेट किया था एम के बराबर। तो जब दो वेक्टर्स को आपने डिवाइड किया तो रिजल्ट में आपको रेशियो मिलेगा। अब मैं रेशियो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में हिस्सा कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल कोई डायग्राम है जिसमें एम जो है वो फॉर एग्जाम्पल टू के बराबर है और ये जो पूरा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये फॉर एग्जाम्पल सिक्स के बराबर है, लेकिन m और n आपका 6 नहीं है, 2 और 6 नहीं, आप डिवाइड करोगे इसको 2 अपॉन 6 क्या होता है 1 अपॉन 3, तो अब आपका ये चीज हो जाएगी m, ये चीज हो जाएगी n, क्योंकि अगेन वही बात रेशियो आप निकाल रहे हो ना, डिवाइड करने का मतलब रेशियो ही निकाल रहा हूं। तो जब आप इन दो वेक्टर को डिवाइड करोगे रिजल्ट में इनके मैग्नीट्यूड डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद जैसे इनके मैग्नीट्यूड थे, ये मैग्नीट्यूड ही है ना लेंथ ऑफ वेक्टर, डिवाइड होने के बाद जो बिल्कुल आपका रेशियो आएगा उसको आप क्या बोलोगे m is to n बोलोगे, और यहां से आपकी डायग्राम स्टार्ट होगी आगे जाके, सिंपल इस एन को जाके आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, इस आर क्यू को जाके यहां से एम से मल्टीप्लाई करवा दोगे, उसके बाद तो बहुत बेसिक सी वर्किंग है जो आप लोग पहले भी कर चुके हो कि अगर आपने पी आर निकालना है वेक्टर, पी आर निकालने का तरीका क्या है आर माइनस पी, ठीक है, मैं यहां पे ओ आर और ओ पी कर रहा हूं क्योंकि इनके पोजिशन वेक्टर में लेट किया है, नॉर्मली आर माइनस पी भी होता है और इनके पोजिशन वेक्टर को भी सबट्रैक्ट करते हो, ये मैंने कॉन्सेप्ट सारे दिए हैं आप लोग। इसी तरह जो आर क्यू है ये बराबर होगा ओ क्यू माइनस ओ आर, अब जरा वैल्यू स्पॉट कर दो, ओ आर जो है ये पोजिशन वेक्टर आपने लेट किया था आर के बराबर, ओ पी जो है ये आपने ए के बराबर लेट किया था, ओ क्यू आपने बी के बराबर लेट किया था और ओ आर आपने आर के बराबर लेट किया था। आपको बेसिकली पोजिशन वेक्टर चाहिए कैपिटल आर का, मतलब आपको आर चाहिए, निकालते हैं आर, मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, सिंपल ये जो माइनस एम आर है ना इसको आप इधर ले आओ, तो ये एन आर ऑलरेडी मौजूद है, ये माइनस एम आर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इसी तरह माइनस एम ही है इसको उधर ले जाओ प्लस एम ए हो जाएगा, और यहां से आप आर कॉमन लो, जब आर कॉमन लोगे तो एम प्लस एन आएगा, उसको वहां जाके डिवाइड कर देना, तो बचेगा एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस आर एन, ये बच्चों फॉर्मूला है जो आपने क्वेश्चन में यूज करना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप देखो एग्जैक्ट उसी किस्म का फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में अगर आप देखो दोनों रेशो को ऐड किया हुआ है, यहाँ पे दोनों रेशो को ऐड किया जाता था, न्यूमिनेटर में अगर आप देखो अपोजिट है, अपोजिट का मतलब जो पहला वेक्टर था ना जिसको हमने ए का नाम दिया था, ये जो पी का पोजिशन वेक्टर था ए, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे रेशो से, दो रेशो है ना, रेशो क्या है एम इज टू एन,
देखो आप जो पहला वेक्टर है ए उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे से, एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जो आपके पास दूसरा वेक्टर था बी उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले रेशो से। एग्जैक्ट ये चीज तो यहां पर होती थी एम वन एक्स टू, मतलब एक्स टू को आप मल्टीप्लाई करते थे एम वन से और एक्स वन को मल्टीप्लाई करते थे एम टू से। तो ये एग्जैक्ट उसी किस्म का फॉर्मूला है, बस वेक्टर की फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको हर चीज दी जाएगी, आपको एम एन भी सवाल में दिया जाएगा, आपको पी क्यू मतलब ए और बी भी सवाल में दिया जाएगा, आपको बस इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आर निकालना होगा, जो कि बड़ा इजी तरीका है, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को बात समझ आती है। ठीक है, कोई मसला यहां तक? तकरीबन आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक और बात इसमें लिखी हुई है कि डिवीजन जो है ना, सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली होता है कि जब आप किसी चीज को डिवाइड करो सेक्शन में उनको, समझ गए होगा आप लोग। तो डिवीजन जो है ना बच्चों, दो हिस्सों की दो तरीके से हो सकती है। एक को आप कहते हो इंटरनल डिवीजन, जो कि लॉजिक भी बनती है उसकी, कि यार कंसीडर कर लो ये दो एंड पॉइंट है, इनको आपने डिवाइड करना है इंटरनली। इंटरनली का मतलब इन दो पॉइंट के दरमियान ही आप काटोगे ना, इनको बाहर से तो नहीं काट सकते ना, तो ये सेंस बनाती है, लॉजिकल होती है, इसको आप कहते हो इंटरनल डिवीजन। एक होती है एक्सटर्नल डिवीजन, जो रियल लाइफ में इतनी लॉजिकल नहीं है, कि यार जब ये दो पॉइंट गिवन है, अगर आपको बोलूं मैंने यहां से कट करना है, आप कहोगे सर क्या काट क्या हो आप यहाँ से, तो सेंस ही नहीं बन रही ना यहाँ पे, लेकिन मैथ में सेंस बन रही होती है। तो उसके डायग्राम कैसे होती है, यही डायग्राम है, लेकिन अब थोड़ी डिफरेंट होगा कि आर जो है पहले पी और क्यू के दरमियान की आ रहा था ना, अब आर जो है वो इनके बाहर होगा। ये कंसिडर कर लो ये पी है ये क्यू है, इनको ज्वाइन करते हैं सबसे पहले, और आर कहीं यहां पे होगा। हमने डैश इसलिए बनाया, डैश का मतलब कि ये आर जो है ये पी और क्यू के दरमियान नहीं है बल्कि बाहर है, वो इधर भी हो सकता है वो इधर भी हो सकता है, मतलब पी के पास हो सकता है क्यू के पास, कहीं भी बाहर होगा वो, इसको आप कहोगे एक्सटर्नल डिवीजन होगी। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये जब इंटरनल डिवाइड होगा ना तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। एक्सटर्नल में क्या कॉन्सेप्ट होगा जरा उस पर आ जाते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगेन वही पोजीशन वेक्टर आप बना रहे हो, एक ओरिजिन होगा, सारे पोजीशन वेक्टर बनाओगे, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, और ये पोजीशन वेक्टर आपने बनाए हैं सबके। बस फर्क अब क्या होगा, जरा बेसिक सा फर्क है उसको समझ लो यहाँ पे, वो ये है कि अब यहाँ पे दो हिस्से, मैंने देखो हिस्से क्या बताया मैं, एम पहली चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, एम रेशो किसका होता है, ये रेशो होता है पहले वाले पॉइंट का और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अब आप देख लो पहला वाला पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट है पी क्यू, पी क्यू का मतलब पहला वाला पॉइंट पी है, इससे लेके जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है वो पूरा एम कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे एम क्या होगा, ये पूरा पी से लेके आर, ये पूरा एम है यहाँ पे, पहले पॉइंट से लेके जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है वो पूरा एम कहलाता है। और एम क्या होता है, दूसरा रेशो रिप्रेजेंट करता है दूसरा पॉइंट और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है। अब दूसरा पॉइंट है क्यू और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया वो ये है, ठीक है। तो ये छोटा सा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो है ये एम है, और जो बड़ा वाला पूरा है ये आपको एम नजर आ रहा है। सवाल में इसका ऐसे फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअल बात आपको बता रहा हूं। तो अगेन फॉर्मूला आपने वही लगाना है यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो दो पैरेलल वेक्टर कौन कौन से, अगर आप देखो पी से लेके आर तक इसको आपने क्या लिया है, इसका पूरा एम लिया आपने, मतलब रेशो जब निकालोगे मानो पी से लेके आर, और दूसरा क्या है क्यू से लेके आर, डायरेक्शन आपने सेम रखनी है क्योंकि पैरेलल वेक्टर है, जब आप डिवाइड करोगे पॉजिटिव आंसर आना चाहिए डायरेक्शन, अगर आप सेम रखोगे मतलब पी आर की भी डायरेक्शन ये है और क्यू आर की डायरेक्शन भी ये है। तो अगेन वही बात, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, जब आप इनको डिवाइड करोगे डायरेक्शन इनकी कैंसिल हो जाएगी, पीछे मैग्नीट्यूड को डिवाइड करोगे तो बिल्कुल फाइनल फॉर्म में रेशियो इनके क्या आ जाएंगे, जो आपने लेट किया था एम अपॉन एन आ जाएंगे। अगेन यही पूरा कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे आप एन ले जाओगे इधर, यहाँ पे आप एम ले जाओगे, अब वो फर्क कहाँ पे पड़ेगा वो थोड़ी देर में खुद ही आपको नजर आ जाएगा, इस फॉर्मूले में नेगेटिव आ जाएगा बस, ठीक है। तो अब ये पी आर किसके बराबर होगा, वही आर माइनस पी, आर माइनस पी को वेक्टर के फॉर्म में मतलब ये हो जाएगा आर माइनस पी, अब देख लेना कहां से आया आर माइनस ए। इसी तरह क्यू क्यू आर क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू मतलब आर माइनस बी, तो ये हो जाएगा एन आर एन ए, ये हो जाएगा एम आर माइनस एम बी। अब जब आप इस एक काम करो, इस एन आर को आप ले जाओगे इधर, तो ये एन आर इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, और जो माइनस एम बी है इसको इधर ले आके पॉजिटिव हो जाएगा माइनस एम ए अपनी जवाब पे। तो अब जब आप इनमें से r कॉमन लोगे ना, तो यहां पे बचेगा m माइनस एन, जो कि दूसरी जगह आप डिवाइड करवा दोगे, और यहां पे ऊपर क्या है mb माइनस ma, ये फॉर्मूला आया है।
तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो फर्क ये है ना कि ये इंटरनल डिवीजन था, ये एक्सटर्नल डिवीजन था। जब एक्सटर्नल डिवीजन आप करते हो तो नेगेटिव हो जाता है। तो फॉर्मूला, अब फाइनल रिमार्क्स हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले, किस तरह आप अप्लाई करोगे। सिंपल सी बात है, एम एन सवाल में आपको गिवन होगा। अगर तो आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि यार इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो वहां पे आप इंटरनल का फॉर्मूला ही लगा रहे होगे। लेकिन अगर मेंशन होगा कि इंटरनल लगाओ या एक्सटर्नल, तो फिर तो आप वही वाले अलग अलग फॉर्मूले लगा रहे होगे। रेशो आपको गिवन होंगे एम एन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो पहला वाला पॉइंट है इसका जो वेक्टर है, इसको आप दूसरे रेशो से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ए को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एम से, और जो दूसरा पॉइंट है क्यू, इसको आप पहले वाले रेशो से मल्टीप्लाई करोगे। ये न्यूमरेटर है, यहाँ पे जो देखो प्लस आ रहा है, इनका ऑर्डर इतना मैटर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। उसका मतलब बी वाली वर्किंग पहले करनी है, माइनस फिर ए वाली वर्किंग, और ये दो फॉर्मूले हैं। अब जरा आप इनको सीखते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है, फिर हमारा मकसद कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे, कि यही फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट होता है अगर मिड पॉइंट से कट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप ये फॉर्मूला देखे ना, आर एम बी प्लस एम ए अपॉन एम प्लस एम, मतलब यही ये पी था, ये क्यू था, और दरमियान, फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा वेक्टर है। अगर आर जो है वो मिड पॉइंट पे, पहले तो था ना कि वो डिवाइड कर रहे हैं, अगर ऐसे तरीके से डिवाइड करें कि बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करना, लिटरल मतलब तो होता है कि दो हिस्सों में तकसीम करना, लेकिन मैथ में बाइसेक्ट का मतलब आप लेते हो दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करना। तो अगर मिड पॉइंट से अगर वो कट कर रहे हैं ना, तो अब आपका एम और एन क्या होगा, ये सेम हो जाएगा, क्योंकि जब दो पीसेस की लेंथ इक्वल है तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी तो जब रेशियो निकालोगे 1:1 आएगा। तो इस फॉर्मूले में आप एम और एन की जगह पे 1 पुट करो, तो ऊपर 1, यहाँ पे 1 पुट करोगे हो जाएगा बी प्लस ए, नीचे 1 पुट करोगे 1+1 2। तो सिंपल लैंग्वेज में हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। तो अगर जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है वो अगर मिड से डिवाइड किया, तो उसका पोजिशन वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा, इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे आप। अच्छा जी, आज 3.1 पे, 3.1 क्वेश्चन नंबर 8 सवाल लिखा हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द गिवन रेशियो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर गिवन। डेटा किस तरह आप लोग बनाओगे, सबसे पहले जो पहला वेक्टर है उसको आप ए का नाम दो। पार्ट नंबर 1 फॉर एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, जो पहला वाला वेक्टर है जो पी कहलाता है, उसके पोजीशन वेक्टर को आप ए कहते हो, इस तरह। तो बोला ना कि जो पहला आपको गिवन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। अच्छा यहाँ पे ए का नाम दिया है, सही। तो जो पॉइंट ए नाइन सेगमेंट थी ना ए बी, फॉर एग्जांपल ये ए था ये बी था, तो जो ए का पोजीशन वेक्टर आप निकालोगे ना, उसको हम स्मॉल ए का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ए है पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको सवाल में, जिसको मैंने ए का नाम दिया है, वो किसके बराबर है, 4i-5j। इसी तरीके से जो दूसरा वेक्टर है उसके पोजीशन वेक्टर को हम बी कह देते हैं, मतलब वैसे उसको ओ बी बोलेंगे, लेकिन ओ बी को हमने नाम दे दिया सिंपल, किसके बराबर है, बी के बराबर है। और सवाल में दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, 2i+7j। उसके बाद क्या गिवन है, रेशो, आपको रेशो क्या है, 3:5, और लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन। अब जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है ना, उसका पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है। तो यहां पे आप चाहो तो लेट कर लो कि लेट आर डिवाइड ए बी इन 3:5 रेशो, अब लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, जिसको हम ओ आर भी कह सकते हैं, जिसको आप वेक्टर की, देखो नाम होता है ना ओ आर तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखो वेक्टर को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप लिखो और उसके ऊपर एरो लगा दो, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है इस पूरे वेक्टर का नाम दे दो, फॉर एग्जांपल पूरे वेक्टर को पी का नाम दे देता हूँ, दो तरीके से आप लिख सकते हो। तो जो आर का पोजीशन वेक्टर है उसको आप ओ आर भी कह सकते हो, या उसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल आर, जो कि आपको यहाँ पे निकालना है, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है ए और बी को, तो मैंने लेट कर लिया। अब जरा इसको निकाल दो, निकालने का तरीका बड़ा इजी होगा, सब मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ सिचुएशन, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आर की पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होगा एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, वैल्यूज पुट कर दो, एम यहाँ पे क्या है, एम है यहाँ पे 3, और बी यहाँ पे क्या है, 2i+7j, एन यहाँ पे है 5, और ए यहाँ पे है 4i-5j डिवाइडेड बाय एम प्लस एन।
एम यहाँ पे क्या है 3 और एन है 5, तो 3 प्लस 5 सॉल्व करें हो जाएगा 6i प्लस 21j प्लस 20i माइनस 25j और नीचे हो जाएगा सिंपल 8। मजीद सिंप्लीफाई करो 6i 20i ये हो जाएगा 26i 21j माइनस 25j हो जाएगा माइनस 4j अपॉन 8। अब बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में एलसीएम ब्रेक करके लिखो 26 को जब आप डिवाइड करोगे ना 8 से तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 4 तो 13 अपॉन 4i और माइनस 4 को डिवाइड करोगे 8 से तो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2j। ये बच्चों आपके पास फाइनली r का पोजीशन वेक्टर आ गया। हम इस फॉर्मूले में इंटरनल का जिक्र नहीं किया था इंटरनल एक्सटर्नल लेकिन आपने इंटरनल का फॉर्मूला ही याद रखा ठीक है। बाकी पार्ट जो है वो आप लोग को ट्राई कर लेना इसके सेम कंडीशन है रेशो और जो पोजीशन वेक्टर है उनमें फर्क है बाकी तो सेम ही कंडीशन है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद थोड़ा अलग टॉपिक है मैं चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ और सवाल हो तो भाई मुझे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है ए बी सी आर द पॉइंट्स ए बी 2a माइनस बी रिस्पेक्टिवली मतलब ए बी सी पॉइंट्स थे और सवाल में उनके पोजीशन वेक्टर आपको दे दिए हैं सिंपल लैंग्वेज में तो हम लिख लेते हैं के ऊपर हेडिंग डालना गिवन गिवन क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जिसको आप ओ ए कहोगे सवाल में उसको ए का नाम दिया हुआ है इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो कि होगा ओ बी सवाल में उसको बी का नाम दिया हुआ है इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जिसको आप कहोगे ओ सी सवाल में उसको बोला हुआ है 2a माइनस बी ये चीजें गिवन आपको कंडीशन क्या है डी डिवाइड्स ए सी इन 2:1, 2:3 एक पॉइंट डी है जिसका उन्होंने अभी तक जिक्र नहीं किया था उस डी ने डिवाइड किया है एसी को इन 2:3 तो आप कह लो कि डी डिवाइड्स एसी इन 2:3 रेशो ये चीज गिवन है आपको इसी तरीके से और क्या लिखा हुआ है ई डिवाइड्स बी डी इन 4:1 रेशो करना क्या फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई सवाल में बोला है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालो तो आप कह सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई जिसको आप ओ ई भी कहते हो जिसको हम एक छोटा नाम देते हैं ई के नाम से ये आपको यहां पे निकालना है। अभी जो मैंने वर्डिंग लिखी हुई है ये बेसिक देसी वर्डिंग है बिल्कुल कोई इसमें मैंने टेक्निकल कोई इंग्लिश यूज नहीं की बेसिक जो सवाल में गिवन है वो मेंशन कर दो ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जो पेपर चेक कर रहा है उसको भी पता हो गया बच्चे के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है। अब जरा सॉल्यूशन पे आओ मेन मकसद आपका क्या है किसी तरह ई का पोजीशन वेक्टर निकालना लेकिन डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते पहले आपको इन कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि डी डिवाइड कर रहा है एसी इन 2:3 रेशो तो आप यहाँ पे चाहो तो लेट कर सकते हो सवाल में गिवन नहीं है डी का पोजीशन वेक्टर क्या है लेकिन हम इसको नाम देंगे चलो नीचे नाम दे देते हैं लेट कर लो ओ डी या ओ डी जो के बराबर होगा डी के बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इजी है किसी भी वेक्टर का अगर पोजीशन किसी भी पॉइंट का अगर आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसको आप बोलते हैं ओ डी पॉइंट अगर डी है तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ओ डी और उसको हम किसी वेक्टर का एक नाम दे देते हैं स्मॉल सा क्या है सिंपल डी के बराबर है तो क्योंकि सबके आपने लेट किया है ना इसका ए है इसका बी है इसका 2a माइनस बी है तो फिलहाल डी का सवाल में गिवन नहीं है ई का भी आपने लेट किया है तो डी का भी मैंने लेट कर लिया। अब जरा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला सिंपल ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो थोड़ी मॉडिफिकेशन करो अब आर की जगह आप लिखो डी सवाल में कंडीशन क्या है कि डी डिवाइड कर रहा है एसी को अब आपने देखना जैसे इस फॉर्मूले में ए और बी दो वैक्टर आते थे आप एम को मल्टीप्लाई करते थे दूसरे वैक्टर से दूसरा का मतलब भाई अगर लाइन सेगमेंट में लिखा हुआ है ए बी तो ये जो है ये कंसीडर किया जाएगा पहला और ये कंसीडर किया जाएगा दूसरा तो आप एम को मल्टीप्लाई करते थे दूसरे वेक्टर से तो एम यहां पे क्या है एम यहां पे 2 है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे दूसरे वेक्टर से ए सी सी दूसरा माना जाएगा यहां पे तो सी के पोजिशन वेक्टर क्या है 2a माइनस बी दोबारा बताता हूं फॉर्मूला है एम बी तो एम यहां पे क्या है अच्छा चाहो तो फॉर्मूला मेंशन कर देना ये फॉर्मूला जो है ना पूरा ये मेंशन कर देना उसके बाद ये वर्किंग स्टार्ट कर देना कि एम यहाँ पे क्या है जो पहले रेशो लिखा हुआ है वो 2 हो गया उसको आपने मल्टीप्लाई करना था दूसरे वेक्टर से दूसरा वेक्टर कैसे पता चलता है जो लाइन सेगमेंट है आपकी लाइन सेगमेंट में सी है ना तो सी का पोजिशन वेक्टर क्या है 2a माइनस बी लिख दी फिर फॉर्मूला होता है एन एन यहाँ पे क्या है 3 इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है पहले वेक्टर से पहला वेक्टर क्या है ए और ए का पोजिशन वेक्टर आपने ए लिया डिवाइडेड बाय एम प्लस एन
अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। टू को इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4a, 2 को माइनस बी से करो ये हो जाएगा माइनस 2b, 3 को a से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 3a, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5। तो सिंपल लैंग्वेज में आपका जो b है वो आ जाएगा 4 प्लस 3 7a माइनस 2b अपॉन 5। ये आपके पास b का पोजीशन वेक्टर आ गया, लेकिन आपको किसका निकालना है, आपको e का निकालना है। तो अभी e की कंडीशन इस्तेमाल करो, e की कंडीशन क्या है, e के पोजीशन वेक्टर को आपने स्मॉल e बोला है। अगेन आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या कहता है, अब e ने कितने रेशो में डिवाइड किया, 4:1 में डिवाइड किया, तो m यहां पे क्या है 4। मल्टीप्लाई किससे करोगे, दूसरे वेक्टर से, दूसरा वेक्टर क्या है यहां पे बी डी, तो दूसरा वेक्टर यहां पे क्या है डी, तो आप 4 को मल्टीप्लाई करो डी से, डी आपने ऊपर निकाला है सवाल में 7a माइनस 2b अपॉन 5 प्लस, फॉर्मूला कहता है n मल्टीप्लाई पहला वेक्टर, n यहां पे क्या है 1 के बराबर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है पहले वेक्टर से, पहला वेक्टर क्या है b, क्योंकि सवाल में गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर b, डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 4 प्लस 1। अब सॉल्व करो, अब इनकी मैथ अगेन थोड़ी मुश्किल लगेगी, खैर बच्चों अभी इतना मुश्किल भी नहीं है। 4 को मल्टीप्लाई करो पहले न्यूमरेटर से, तो ये क्या हो जाएगा 4 7 28, 4 को माइनस 2 भी से करो ये हो जाएगा माइनस 8 भी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5। देखो सिंपल इन फ्रैक्शंस को अगर आपको सॉल्व करना आता है तो फिर आपको उसमें मसला नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिचुएशन लिखी हुई है तो आप इनको कैसे सॉल्व करते हो, आप 5 को मल्टीप्लाई करते हो 1 से और एड कर देते हो इस 1 के अंदर डिवाइडेड बाय 5, ये तरीका होता है। सेम वही चीज है, 5 को मल्टीप्लाई करो बी से और एड कर दो न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर ये पूरा है, तो अब मैं 5 को जब b से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा 5b, और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो एलसीएम आया एलसीएम यहां पे 5 था, इस तरीके से आप करोगे। सेम 4 प्लस 1 नीचे क्या है 5 है। अब आपको बेसिक थोड़ी फ्रैक्शन आनी चाहिए, अगर आपके पास न्यूमिनेटर में एक फ्रैक्शन लिखी हुई है ना और डिनोमिनेटर में जस्ट एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है ना ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये जो 5 है ना वो यहां से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइनल ई का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 28a अपनी जगह पे माइनस 8b प्लस 5b ये हो जाएगा माइनस 3b डिवाइडेड बाय 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25। उसके बाद बच्चों आप इसका एलसीएम ब्रेक कर लेना, नहीं ऐसे रहना, तो एलसीएम ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास फाइनल, क्योंकि a b की आपको वैल्यू नहीं गिवन ना, अगर a b की वैल्यू गिवन होती है i j की फॉर्म में तो चलो आप कर लेते, यही तक काफी है। ये आपके पास फाइनल e का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जो आपको निकालना। तो बेसिक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने सारी वर्किंग की और आंसर आ गया। सर ई की, सर ई वेक्टर की लेआउट क्या थी, लेआउट जो नीचे आपने मतलब ये जैसे आपने फॉर्म लिखा था अपना एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम एन, ठीक है, आपने ई का ये 7a माइनस 2 भी समझ आ रहा है, डी है ये बी कैसे आया, थोड़ा कंफ्यूज हूं ये बी वेक्टर यहां पर, हां हां मतलब इसका आपने लेआउट कैसे ढूंढा। भाई देखो ये जो एम बी है, एम क्या था जो पहला रेशो था, एम 4 है, और बी क्या होता है बेसिकली, बी होता है सिंपल लैंग्वेज में आपने देखना है कि यार ये किसको डिवाइड कर रहा है, ये बी डी को डिवाइड कर रहा है ना, इसको देसी लैंग्वेज में याद रखो, देसी लैंग्वेज क्या है कि जो एम है ना ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे वेक्टर से, दूसरा वेक्टर क्या होता है भाई बी डी के अंदर दूसरा वेक्टर क्या है डी है, तो इसका मतलब आपने एम को मल्टीप्लाई करना है डी से, ये एम है और डी आपने ऊपर निकाला था, फिर फॉर्मूला कहता है प्लस एन को, एन क्या है जो दूसरा रेशो है, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले वेक्टर से, पहला वेक्टर क्या होता है, पहला वेक्टर बी है यहां पे, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या था सिंपल बी, तो मैंने एन जो है एन 1 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया पहले वेक्टर से मतलब बी से। सही है सर, ये चीजें थोड़ी मुश्किल लगती है यार, देखो ये जो टॉपिक है ना ये काफी खुश्क टॉपिक है, ये नॉर्मली बच्चों को पसंद नहीं आता इतना, मुझे भी पसंद नहीं आता, लेकिन मसला है कि इसका सवाल लॉन्ग में उन्होंने दिया है, तो अब मैं टेक्निकल तौर पर छुड़वा नहीं सकता, पहले भी मैंने खैर छुड़वाना नहीं था लेकिन मैं स्किप कर नहीं सकता, तो बेहतर है अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही टाइम है तो मेहनत करो, वरना अगर कोई टॉपिक बहुत ही फजूल लग रहा है इस मौके पे जब एग्जाम में 1.5 महीना रह गए तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मेरा तो है यार मैंने तो करवाना है ना, मैं तो हर बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो जिसको मुश्किल लग रहा है वो स्किप कर सकता है, लेकिन मेरे लिए है कि मैं जितना आसान हो सकता है मैं उतना पढ़ा रहा हूँ।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 जो लॉन्ग में आया था उसमें यही कॉन्सेप्ट है या अलग है? Y डिवाइड बी सी यही कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब 15 भी हम कर लेते हैं। ये लॉन्ग में उन्होंने दिया होता मॉडल पेपर के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बारी में आएगा, इसका मतलब ये कि ये आ सकता है, तो इसे स्किप करना रिस्क है। लिखा हुआ क्या है ना, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक्स इज द मिड पॉइंट, सही है, हो जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी लिखते हैं गिवन, एक पैरेललोग्राम है इसका नाम क्या है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसका बड़ा फायदा होगा इसका इस्तेमाल करेंगे कंडीशन। और कंडीशन क्या गिवन है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स जो है इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अच्छा फिर लिखा हुआ है y डिवाइड बी सी इन 1:2। एक और कंडीशन क्या है कि y डिवाइड कर रहा है बी सी को इन 1:2। फिर बोला हुआ है शो दैट इफ z डिवाइड कर रहा है बी, जिसके आगे हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले इन कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं, इनका फायदा क्या है, फिर जो एंड पे सवाल है ना, अभी सवाल में समझा नहीं रहा क्योंकि एकदम से समझाऊंगा कहोगे वो क्या करना है, इसके अंदर जितना गिवन है ना उसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी बातें खुद ही समझ आ रही। और जरूरी क्या, आपने हर चीजें डाटा में मेंशन करनी होती है, डाटा ऑप्शनल होता है कि बेसिक बेसिक बात बस लिख दो, असल सॉल्यूशन मैटर कर रहा होता है मैथ के अंदर के सॉल्यूशन में आप कर क्या रहे, मेन चीज वही होती है उसके अंदर। स्किप ना किया हो आपने, प्रॉपर चीजें लिखी हो तो आपको पूरा नंबर लगते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, अब इस कंडीशन का आप क्या इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा, वो सपोज क्या है, सबसे पहले आप लेट करोगे यहाँ पे, या अगर आप डायग्राम बना रहे हो फिर तो और अच्छी बात है, अगर आप डायग्राम यहाँ पे बना दो ना फिर तो बेस्ट है, हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये जो पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ कर दिया ना, अब इनके पोजीशन वेक्टर बनाओगे, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कोई एक ओरिजिन होगा आपका ओरिजिन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ओ पॉइंट लेट कर लेता हूँ ऐसा कि हर जगह नजर आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट करते हैं, एक ओरिजिन होगा, आप क्या करोगे, आप इनका पोजीशन वेक्टर बनाओगे, तो ये ए का पोजीशन वेक्टर हो गया जिसको स्मॉल ए का नाम दे देते हैं, अच्छा यार नहीं बी में बी दरमियान में आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखते हैं, कंसिडर कर लो यहाँ पे ओरिजिन, कहीं भी हो सकता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमें ज्वाइन करना है, इसको ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो, इसी तरह सी है इसको सी का नाम दे देते हैं, और डी है इसको हम डी का नाम दे देते हैं, तो ये सारे पोजीशन वेक्टर आप चाहो तो लेट कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको आप बोलोगे ओ ए, जिसको हमने नाम दिया स्मॉल ए, इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी स्मॉल बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये सब चीजें आप लेट कर लो, या डायग्राम अगर आपने बनाई हुई उससे भी क्लियर है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कंडीशन क्या होती है पैरेललोग्राम के अंदर, बेसिक सी कंडीशन क्या होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, जैसे ये जो ए बी है और ये जो डी सी है, सी डी नहीं लेना, सी डी लोगे तो पैरेलल जो वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, हम यहाँ पे दो वेक्टर ले रहे हैं ए बी और सी डी, अगर आप देखो तो ये ए बी और सी डी इक्वल वेक्टर होते हैं, पैरेललोग्राम की ये शर्त होती है कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, तो अगर आप वेक्टर की फॉर्म में देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर की लेंथ सेम है, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है लेंथ और मैग्नीट्यूड, लेंथ और डायरेक्शन, तो लेंथ तो इनकी सेम है क्योंकि पैरेललोग्राम है और डायरेक्शन भी इनकी सेम है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर ही है, तो आप कह सकते हो ये लेट करने के बाद लिख देना इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में हम इस बात को जानते हैं कि जो ए बी वेक्टर है वो बराबर होगा डी सी वेक्टर के, डायरेक्शन भी सेम मैग्नीट्यूड भी सेम, ए बी क्या होगा, ए बी निकालने का तरीका क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, इसी तरीके से डी सी निकालने का तरीका होगा ओ सी माइनस ओ डी, ठीक है, ओ बी को हमने लेट किया था सिंपल बी के बराबर है, ओ ए ए के बराबर था, ओ सी सी के बराबर था, ओ डी डी के बराबर है, इस सवाल को जब आप आगे सॉल्व करोगे ना आपको सी की जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई मैं अभी से सी निकाल रहा हूँ, या आप लोगों को शायद समझ रहा है कि मैं सी की वैल्यू अभी से क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बाद में काम आने वाली है, तो फिर आप इस बात पे ईमान ले आओ कि भाई सी की हमें जरूरत है, बाद में काम आएगा तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा क्यों निकाला था मैंने, तो इस पैरेललोग्राम की कंडीशन से आपने पहली चीज ये निकाल दी है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम था जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, अब वही काम पे आ जाओ जो आप फॉर्मुला यूज कर रहे थे उसी के मुताबिक अब चलो, फॉर्मुला क्या कह रहा था, फॉर्मुले में सबसे पहली कंडीशन क्या है, एक्स जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, मैंने अभी बताया था मिड पॉइंट का फॉर्मुला सिंपल क्या होता है, अगर जो पॉइंट दरमियान से बिल्कुल डिवाइड कर रहे हैं तो फॉर्मुला सिंपल क्या था, ए प्लस बी अपॉन टू, नाम आपने देख के रहने कि आपने ए बी क्या नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है,
अगर इसको कोई दरमियान से डिवाइड करेगा तो उसका पोजिशन वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा, ए और बी को ऐड करो, डिवाइड बाय टू करो। तो वही काम करेंगे हम यहाँ पे, ये जो एक्स है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स के पोजिशन वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, एस एक्स के पोजिशन वेक्टर को आप लिख सकते हो ओ एक्स, जिसको हम स्मॉल एक्स भी नाम दे सकते हैं। ये डिवाइड कर रहे ए बी को, ए का पोजिशन वेक्टर क्या है स्मॉल ए, प्लस बी का पोजिशन वेक्टर क्या है स्मॉल बी, डिवाइडेड बाय टू। ये बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मुला में लगा है। मिड पॉइंट फॉर्मुला कहते हैं कि जब भी आप पॉइंट को मिड मतलब डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट को, तो सिंपल जिन दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों के पोजिशन वेक्टर को आपस में ऐड करो, डिवाइड बाय टू कर दो। तो ये जो एक्स है ये ए बी को डिवाइड कर रहा था ना, तो ए का पोजिशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजिशन वेक्टर स्मॉल बी, सिंपल लैंग्वेज में दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय टू कर दिया। यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स का पोजिशन वेक्टर, अभी बाद में काम आएगा। दूसरी कंडीशन को इस्तेमाल करो, लिखा हुआ है y डिवाइड कर रहा है bc को इन 1:2 रेशियो, तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे ma plus nb वाला। तो y के पोजीशन वेक्टर को आप लिख दो oy, जिसको हम स्मॉल y भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, अगेन फॉर्मूला इस तरह याद रखना जिस तरह मैं बता रहा हूं कि m को मल्टीप्लाई करो दूसरे वेक्टर से, m यहां पे क्या होता है रेशियो का पहला हिस्सा, इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर से। दूसरा वेक्टर क्या है यहां पे c, अब c का पोजीशन वेक्टर आपने क्या लेट किया था सिंपल c के बराबर लेट किया, फिर फॉर्मूला क्या देता है na, मतलब n जो है उसको मल्टीप्लाई करो पहले वेक्टर से, पहला वेक्टर यहां पे क्या है b, b का पोजीशन वेक्टर सिंपल b के बराबर, डिवाइडेड बाय m प्लस n या n प्लस m, एक ही बात है कर सकते हो। सॉल्व करो इसको, y की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, y जो है वो आ जाएगा c प्लस 2b अपॉन 3। अब आपको समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं इनका निकालने का, ये कंडीशन बाद में काम आने वाली है सारी कंडीशंस। तो ये वो डाटा विचर सवाल में लॉन्ग का सवाल है, ये जो गिवन था ना वो हमने कर लिया। अब जरा देखो प्रूफ क्या करना था इस सवाल में, लिखा हुआ था शो दैट इफ z डिवाइड्स dx इन 6:1। कंडीशन आपको क्या दी गई कि आपने प्रूफ करना है, और कंडीशन क्या है कि अगर इफ अगर जो z है वो डिवाइड कर रहे हैं dx को इन 6:1 रेशो में, तो प्रूफ करो कि z ऑल्सो डिवाइड करेगा ay को 3:4 के रेशो में, कि भाई अगर z जो है वो dx को डिवाइड कर रहा है 6:1 के रेशो में, तो फिर z जो है वो ay को भी डिवाइड करेगा 3:4 के रेशो में, ये आपको बोला गया। तो आप क्या करो पहले कंडीशन का इस्तेमाल करो, कंडीशन क्या है इफ z डिवाइड dx इन 6:1, तो आप लिख दो कि गिवन क्या है z डिवाइड dx इन 6:1 रेशो, ये कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन का इस्तेमाल करके आपको दूसरी चीज प्रूव करनी है, तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, z का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये तो पॉइंट था ना, z का पोजीशन वेक्टर होगा oz, जिसको आप स्मॉल z भी कह सकते हो। अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बहुत दफा आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है mb plus na वाला, यहां पे m क्या है 6 के बराबर, दूसरा वेक्टर क्या है x, जो कि आपने ऑलरेडी ऊपर निकाला है a plus b upon 2। फिर फॉर्मूला क्या आता है na, n यहां पे 1 है, a यहां पे क्या, a मतलब पहला वेक्टर, पहला वेक्टर यहां पे d है, d के आपने पोजीशन वेक्टर स्मॉल d लिया था, डिवाइडेड बाय m plus n, अगेन कॉन्सेप्ट वही है, 6 को डिवाइड करो 2 से सिंपल 3 हो जाएगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करो a से ये हो जाएगा 3a, 3 को मल्टीप्लाई करो b से ये हो जाएगा 3b, और d जो है वो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 7। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया z का। अब जरा इस कंडीशन को समझो हम क्या करने लगे सवाल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को फंसेगा। सवाल में क्या गिवन था कि z जो है वो डिवाइड कर रहा है, अगर इफ की कंडीशन थी, और से समझना, अगर z जो है, ये चलो मैं एक और वर्किंग कर लेता हूं फिर आप मुझे बताता हूं। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि ऑल्सो डिवाइड ए बाय इन 3:4, तो अब जरा एज्यूम करो कि z जो है वो डिवाइड कर रहा है, z डिवाइड, इसको मैं 1 का नाम देता हूं, अभी आपको शायद समझ ना आया कि मकसद क्या है, थोड़ा सा रुक जाओ मकसद समझ आ जाएगा। z डिवाइड ए बाय इन 3:4, कंडीशन लगाओ, z के पोजीशन वेक्टर को आपको पता है oz लिखते हो, जिसको हमने z लेट किया था, फॉर्मूला अप्लाई करो, m यहां पे 3 है और दूसरा वेक्टर क्या है y, y था c plus 2b upon 3, plus n यहां पे 4 है, पहला वेक्टर a है जिसको आपने स्मॉल a बोला है, डिवाइडेड बाय m plus n, ये कंडीशन है। तो 3 से 3 तो डिवाइड हो जाएगा, पीछे बचेगा c plus 2b, ये होगा 4a डिवाइडेड बाय 7। अब c की जरूरत आपको पड़ेगी, ये जो c है ना वैल्यू आपने निकाली थी c क्या था d plus b minus a, पुट कर दो c की जगह, तो c की जगह पुट कर दिया d plus b minus a, ये c की जगह सपोर्ट कर दिया आपने, पीछे बचा 2b plus 4a,
तो बिल्कुल फाइनल में इसको सॉल्व करो, डी अपनी जगह हमने इसको क्या निकाला था, 3a था ना, तो देखो माइनस ए प्लस 4a ये हो जाएगा 3a, इसी तरीके से b और 2b ये हो जाएगा 3b, और d जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7, इसको हम 2 बोलते थे। अब जरा समझो कि प्रूफ क्या हुआ, सवाल में प्रूफ क्या था, सब चीजें देखो सवाल में आपको कंडीशन दी गई थी, कंडीशन क्या थी कि z डिवाइड कर रहा है dx को 6:1 रेशो में, तो अगर z डिवाइड करेगा 6:1 रेशो में dx को, तो वो कह रहे थे कि प्रूफ करो कि z जो है वो ay को भी डिवाइड कर रहा होगा 3:4 में, ये आपको प्रूफ करना था, ये कंडीशन गिवन थी कि इफ अगर z करेगा ये तो इसका मतलब z जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा 3:4 में। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि z जो है वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है, सिंपल सी बात है, आप क्या करो यहां पे कि आप ये कंडीशन अप्लाई करो, कंडीशन अप्लाई करने के बाद जेड की वैल्यू निकालो, अगर जेड की वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब कंडीशन ठीक है, मतलब भाई देखो जेड का ये आंसर है और उन्होंने कंडीशन क्या दी थी कि जेड डिवाइड कर रहा है डीएक्स को इस रेशो में, तो जेड का आंसर क्या आया था, ये पूरा जेड का आंसर था, तो अगर जेड जो है वो इस चीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो जेड का आंसर तो सेम ही रहना चाहिए ना, ये तो कोई सेंस नहीं बनती ना कि एक जगह वाई की वैल्यू कुछ हो दूसरी जगह वाई की वैल्यू कुछ हो जाए, ये तो सेंस नहीं बनती, वैल्यू तो सेम ही रहती है। तो ये जेड की वैल्यू आपकी, अगर जेड जो है वो इसको भी डिवाइड करा 3:4 में तो जेड की सेम ही वैल्यू आनी चाहिए, अगर जेड की सेम वैल्यू नहीं आएगी इसका मतलब जेड जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हमने इस पूरी कंडीशन का इस्तेमाल किया, जेड का आंसर देखो वही आ रहा है, उसका मतलब जेड का आंसर सेम ही है, तो यहां से कंक्लूजन हमें मिलेगा कि हमने इस कंडीशन को रख के जेड की वैल्यू निकाली थी, और हमने क्या किया, हमने इस कंडीशन को चेक किया, इस कंडीशन में भी जेड की वैल्यू सेम ही आ रही है, इसका मतलब जेड जो है वो इसको भी 3:4 में डिवाइड कर रहा है और इसको भी 6:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आप लिख सकते हो कि बाय वन एंड टू, बाय वन एंड टू, टू बाय वन एंड टू, आप कह सकते हो कि वो पूरी बुक की वर्डिंग लिखते ना कि इफ जेड डिवाइड डी एक्स इन 6:1 देन जेड जो है वो डिवाइड करेगा ए वाई को 3:4 में, कि अगर जेड इसको 6:1 के रेशो में डिवाइड करेगा तो ये जेड का फॉर्मूला होगा, सेम जेड का फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इसका मतलब जेड जो है वो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये आपके पास आंसर ना आ रहा है। इसको आप अलग तरीके से भी समझ सकते हो कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जेड ना बोलो, आप बोलो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना किसी और चीज के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल दो कि ये फॉर एग्जाम्पल बराबर है पी के, फॉर एग्जाम्पल आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करो बस, कि लेफ्ट राइट हैंड साइड पे इस 3:4 और ए वाई पे कंडीशन अप्लाई करो, जब आप कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये चीज आ रही है, और ये चीज जो यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल जिसको पी का नाम दिया था वो किसके बराबर आई है, वो बेसिकली जेड के बराबर आई है, तो यहां से चीज क्या प्रूफ होगी कि कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कौन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला जेड है, क्योंकि सेम आपको वही आंसर मिला जो यहाँ पे मिल रहा था, तो इस तरीके से आपका सवाल जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो चाहो तो आप इस पी भी करके लिख सकते हो कि बाय वन एंड टू, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर ये हो रहा है इसका मतलब ये भी होगा, ये लॉन्ग का सवाल है जो मॉडल पेपर में दिया हुआ था, तो ये भी हमने कर लिया।